नवी मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस ने दो अलग अलग घटनाओं में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साल के आखिरी दिन आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने बताया कि पहला मामला एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर उसे लूटने का है, जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं दूसरा मामला नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ा है। आरोपियों से 2,53,00,000 का MD ड्रग्स बरामद हुआ है, जिसे नए साल के जश्न के लिए नवी मुंबई लाया गया था। नवी मुंबई के क्राइम ब्रांच पुलिस ने नए साल से पहले ही नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के नाम कलीम रफीक खामकर, जकी अफरोज पिट्टू और सुभाष रघुपति पाटिल बताए जा रहे हैं। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह और अपर पुलिस आयुक्त क्राइम गुरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी 31st सेलिब्रेशन को देखते हुए नवी मुंबई में ड्रग्स की बड़ी खेप बेचने की फिराक में थे, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया। आरोपियों से 2 किलो 500 ग्राम MD ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी कीमत 2,53,71,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले में और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश में जुट गई है। आइए सुनाते हैं पुलिस आयुक्त ने क्या कुछ कहा। टोटल अभी तक जो है 2.5 किलोग्राम 2.5 kg MD जो मिथाकिलोन है, MD का एक क्लास है, वो उसको सीज किया गया है। उसकी जो कीमत है बाज़ार में करीब 2.5 करोड़ के आसपास की है। और इसमें जो 3 आरोपी हैं, उसमें जो मुख्य आरोपी है वो है कलीम रफीक खामकर है, दूसरा है जैकी अफरोज पिट्टू और तीसरा सुभाष रघुपति पाटिल। तो इसके साथ में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता लगा, जब ये खामकर को पकड़ा, कि बाद ये लोग कोयनार तालुका यहाँ पे है अलीबाग में, वहाँ पे इनकी छोटी सी फैक्ट्री थी, वहाँ बनाते थे और वो फैक्ट्री भी हमने सीज किया है। और टोटल अभी तक हमको 2.5 किलोग्राम का ये जो अच्छे क्वालिटी का MD मिला हमको। इसके पहले भी शायद उन्होंने बनाया था, लेकिन वो अच्छा नहीं बना था, तो वो उसको शायद सेल नहीं किए। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अभी ये आज 31 दिसंबर के उपलक्ष में आप बोलो इन्फॉर्मेशन तो हमको जब मिला, हमने कार्रवाई किया। और इसमें शायद ये इनका प्लान था कि कहीं ना कहीं हम इसको सप्लाई करेंगे लोगों को, कस्टमर्स को, तो वो उसके पहले पकड़ लिए गए। काफ़ी अच्छी कामगिरी हमारे यूनिट 3 के माड़ी साहब हैं और हमारे ESTU के इंस्पेक्टर सोनोने साहब हैं और शेख हैं एंटी नारकोटिक्स के, एडिशनल CP महेश घुरे साहब और DCP सुरेश मेंगड़े, SCP वस्त, इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम है। और ये हमारा जो पूरे अगतालय का हमारा जो हमारा एक तरह से मिशन है कि हमने इसको ड्रग और गुटखा इस सबसे थोड़ा सा फ्री करना है, जितना कोशिश हो सकता हम कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।